लूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और अंधभक्त वाली बात कह रहे हो ना, तो वो ये कि वो हमारे साहब जो हैं प्रधानमंत्री साहब, वो अंधभक्तों से कह रहे हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देखकर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देखकर बढ़ता। मुस्लिम है आप? ये मुस्लिम है, कोई बात नहीं। और आप हिंदू हैं? मैं मुस्लिम हूँ। और ये सिख हैं? पीछे भी सिख है। तो हम देखिए, ये भारत है, 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 ये भारत हमारा, ये भारत हमारा। और हम इसी भारत को ऐसे ही मजबूती से पकड़े रहना चाहते हैं, जैसा हम, जैसा जैसा अपने क्रांतिकारियों ने लड़ाई की थी और देश को आजादी दिलाई थी। उस वक्त भी सारे भारतीय थे, सिख ईसाई मुस्लिम सब ने लड़ाई लड़ी थी और तब जाके अपना देश आजाद हुआ था। और आज वैसी ही एक लड़ाई है करीम भाई, अपने देश की बेटियां रोड पे बैठी हुई है। बेटियां रोड पर बैठी हैं तो भाई भी कहाँ इनके साथ नहीं खड़े? भाई तो खड़े हैं, लेकिन सरकार नहीं खड़ी है जो इनको। तो देखो, बहनों को तो बाद में, सबसे पहले भाइयों का सीना आगे आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो बहनों की डरने को जरूरत ही है क्या? नहीं, बहनों के डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके साथ जो वर्दभूषण ने गलत किया है, गलत किया है ना। देखिए, एक बात, लड़ाई वो जीत नहीं पा रही है। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं कि तुम डाल डाल तो हम भी बात बात। कलीम भाई की इन्हीं बातों पे तो मजा आता है भाई। और जो है ना, देश को जोड़ने का काम करते हैं ये यहाँ। नहीं, देश को जोड़ने का काम हम सब 140 करोड़ देशवासी करेंगे मिलके। कोई अकेला तो जुड़ नहीं सकता, ठीक है ना। हम सब मिलकर जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए, जातिवाद धर्मवाद से सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होता है। और जब मिलकर हम चलते हैं साथ, तो टीवी पर हम पहले दूरदर्शन पे देखते थे, जैसे हम लोग बैठे ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। कलीम भाई, मोदी जी बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन के नाम पर कच्चे दिन आ गए, क्योंकि पैंट उतर गई हमारी, समझे, जनता की। तो हमने अच्छे दिन मांगे थे, हमें क्या पता था कच्चे दिन मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि घर घर मोदी, हर हर मोदी, जो घर घर मोदी करते करते घर घर बेरोजगारी पहुंचा दिए है ना, बेरोजगारी पहुंचा दिया। तो उसी का अब हम 24 में जवाब देंगे। और मैं अभी बताया था ना आपको कि 24 में देश की चौराहे पर हम सब जगह जनता खड़े होंगे और ये कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और हमने 14 में पलकों पर बिठाया था ना, तो उस पर है कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरी सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। ये हर चौराहे से ये आवाज मिलने वाली है। एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई, कि मोदी सरकार ये बोल रही है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज। कलीम भाई जो है मुस्लिम है बैठे हुए, लेकिन एक भारतीय है। मैं जानना चाहता हूँ कलीम भाई, कि आप लोगों को तो नफरत है ही मोदी जी से, लेकिन यहाँ हिंदू राज बता गए, ये हिंदू नफरत है मुझे किसको है? नहीं नहीं, मोदी जी को कैसे मोदी है क्या? नहीं, आपको नहीं बोल रहा, मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ कि मोदी जी जो नारा लगाते हैं कि हिंदू राज हिंदू राज, आज हिंदू की बेटी रोड पे बैठी हुई है। ये सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ, मीडिया पूछेगी ना, हम तो जनता है,
हम पर अन्याय होता है, हम सड़क पर आके बैठ जाते हैं कि हमें इंसाफ दो। तो इंसाफ हम जिससे मांग रहे हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आप हमारे दूत हो, आप खबर पहुंचाओ उनको। कभी किसान रोड पे आता है, कभी जवान रोड पे आता है, छात्र पेपर लिख से रोड पर आता है, और जो नौजवान है वो अग्निवीर से रोड पर आता है, बहने अपने शोषण पर रोड पर आती हैं। तो कौन खुश है इस देश में, ये मेरा सवाल है। हमें खुशहाली चाहिए, शांति चाहिए, और मोदी जी यही बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो सबको साथ लाने की बात करते हैं और सबको छोड़ देते हैं। सबको छोड़ दिया है 26 दिन से, एक ट्वीट करके भी नहीं पूछा है। बेटियां जो रोड पे बैठी हुई है। अच्छा ये बताइए, मैंने सुना कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं दौरे पर जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, और यहीं से दो कम से कम ज्यादा एक किलोमीटर आधा किलोमीटर संसद होगा, संसद है। और साहब का भी घर करीब में। हाँ। तो इनको ऑस्ट्रेलिया इतना दूर का दौरा दिख जा रहा है और ये यहाँ का दौरा क्यों नहीं दिख रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि ये आप पूछते प्रधानमंत्री जी। सत्ता के लोभी हैं, उन्हें देश की जनता से सत्ता के लोभी हैं, और जो है कि नहीं, मैं आप लोभी हैं कि क्या है वो बात की बात, पर यहाँ दौरा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इनको बुलाए थे, फोटो खिंचाए थे, कहा था कि ये मेरी बेटियाँ हैं, तो यहाँ का दौरा पहले ये भी बोला गया था कि मेडल लेके आए, जबकि भाइयों के हाथ पर राखी का गिफ्ट दे दिया है। गिफ्ट दे दिया तो राखी की लाज रखे क्या, रखेंगे। समझो ना रेशम कतार भैया, इस राखी का मतलब है प्यार भैया, यही मतलब होता है ना भाई बहन का प्यार। बिल्कुल। तो ये राखी का प्यार मैं भी पूछ रहा हूँ, कहाँ है फिर? आपने राखी की बात करी तो वो कौन सा नालायक भाई होगा यार, जो तो अपनी बहन का लाज ना बचाए और राखी बनवा भी ले। और आप तो बॉम्बे से आए हो, कलीम भाई जो बॉम्बे से आए हैं, और करीबन 6-7 दिन हो गए हैं। अब मैं ये भाइयों की बात करी, अब मेरी बात को गलत चला दोगे? नहीं नहीं, गलत क्यों चलाएंगे, ये बात है। गलत क्यों आपकी बात को? आप लोगों से डर लगता है। अरे नहीं नहीं, कलीम भाई हमें आपसे डर लगता है। समझे नेताजी, गजल सुना दो, गजल सुना दो एक गजल। तो ये अरे यार गजल तो जगजीत सिंह सुनाते हैं और अनूप जलोटा जी भजन सुनाते हैं, और हम जो जनता अपने दर्द सुनाते हैं। तो आप बस समझ जाइए बात। भरतभूषण क्यों भाग रहे हैं? कौन भरतभूषण क्यों भाग रहे हैं? नेग्रो टेस्ट नहीं करवा रहे? पाजी सब जानते हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आप बताओ क्यों भाग रहा है, क्यों सरकार साथ दे रही है कि वो नेग्रो टेस्ट नहीं करवा रहा है? ये भाग रहे हैं तभी तो हम बैठे हैं यहाँ पे रास्ते में, किस रास्ते से भाग न पाए। वो तो 25 दिन से बैठे हुए, वो तो तभी भाग रहे हैं। अरे यार रास्ते में हम क्यों डरने रह के बैठे हैं, ताकि यहाँ से वो भाग न पाए। 25 दिन से भागी तो रहे, हम पकड़ कहाँ पाए उसको? हम देखिए नाकाबंदी चालू है कि नहीं। नाकाबंदी से क्या हो रहा है, वो पकड़ा तो नहीं जा रहा ना? पकड़ा जाएगा ना, जो नाकाबंदी हम इसीलिए कर रहे हैं अभी इधर की है, फिर पूरे देश में हमारे भाई बहन करेंगे जब बैठ के, तब कहाँ भागेंगे? तभी तो नाकाबंदी शुरू हो रही है, हर जगह देश में शुरू होगी, और फिर ये भागने को इनको जगह नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? क्योंकि देखिए हम जनता हैं और हम पीस चाहते हैं, किसी काम कौम विशेष धर्म विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, और मन की भी बात नहीं होनी चाहिए, जन की बात। और प्रधानमंत्री का एक दायित्व होता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो उसको जनता की खुशहाली पर बात होनी चाहिए, ठीक है? तो मैं तो यही मैनिफेस्टो पूछ रहा हूँ ना, 2014 के मैनिफेस्टो पे बात करो। तो आप बोल रहे हो ओ कश्मीर फाइल देखो, ओ केरला फाइल देखो, तो ये हम पेट में अनाज ही नहीं है, और हम वो फिल्म देख करके आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और उसकी प्रतिक्रियाएँ क्या आ रही हैं जो देख के आ रहे हैं, तो ये नहीं आ रहा है। बिल्कुल लड़ेंगे भाई, ये बोल रहे हैं, ये लड़ेंगे, ये कोई ना बोल रहा है, बात मत करो, ये लड़ेंगे इनको लेके मेरे फेस के सामने मत देगा भाई, जो भी लेके आओ भाई इनको लेके जाओ। कलीम भाई आप भी तो लड़ सकते हो। नहीं मेरे को चुनाव नहीं करना, अपना नेता बनना है। अच्छा। मैं बार बार कहता हूँ नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। कलीम भाई अगर नेता होते तो भारत विश्व विजेता होता। मैं नहीं, नेता अगर न लेता होता
नेता अगर ना लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। ये मोदी जी जो है अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं अभी तक? ये मोदी जी से सर सवाल होना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बात, कुछ ना कुछ तो आप भी जानते ही होंगे, नहीं तो ऐसे माइक लेके तो घूमते नहीं। आप बताइए ना सर, अभी इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम जनता हैं, हम सड़क पर बैठ रहे हैं, हम उन्हें घेर रहे हैं। अगर यहाँ हम लोग घेर नहीं पाए हम तो पूरे देश में हमारे भाई बहन घेरे। तो जिस वक्त में जब गोल्ड मेडल लेकर के आई थी तो उसी वक्त मोदी जी उनके कंधे पे हाथ रखकर बोली थी कि आप हमारी बेटी हैं। चलिए मान लीजिए गोल्ड मेडल लाई थी उस समय प्रधानमंत्री जी को खुशी हुई थी ना, बहुत खुशी बराबर ना। तो आज ये एक बंदा कह रहा है कि 15 रुपए का मेडल लाई, तो प्रधानमंत्री सही है कि ये सही है? आप जज करके जनता को बताइएगा। पैसे बिचरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा, और अंधभक्त वाली बात कह रहे हो ना, तो वो ये कि वो हमारे साहब जो हैं प्रधानमंत्री साहब, वो अंधभक्तों से कह रहे हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता हूँ, तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो मैं तुम्हें देख कर मैंने हाकी है गप्पे हजारों मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन एक सिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो मैं पिछले पे चाबुक चलाता हूँ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। जो मीडिया ग्राउंड पर है सुनने में आ रहा है जो अपने डिजिटल फेसबुक और यूट्यूब पे, हम वही तो देख रहे हैं जो मीडिया ग्राउंड, कौन मीडिया ग्राउंड पर है, इसीलिए तो हम जनता राउंड पर है। नहीं उसको भी ना, ये आईटी सेल उनका जो बैठी है सरकार है उनका आईटी सेल की रीच गिराने पे लगा हुआ है। क्या रीच? इसलिए तो आप बोल रहे हो, इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है कि कानून मंत्री सीटें दिलाता है। ये बताओ कि ये बात है, मतलब तपस्या कहीं और हो रही है, असर कहीं और हो रहा है। ये आया कि जो कानून मंत्री ये जो उन्होंने उनको ये बोला गया था कि आप ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसा कानून लाओ इसको खत्म करने का, वो तो उनसे हो नहीं पाया और वो कर्नाटक हार गई। अच्छा एक बात बताइए साहब, ट्विटर पर ऐसा कानून लाएं, आईटी सेल जैसे सोशल मीडिया पर ऐसे कानून लाएं, तो आप सोशल मीडिया के वजह से ही थोड़ी बहुत जो जनता जो है, आप जो भी बंधु हैं इनके वजह, आप लोग की वजह से जनता में थोड़ी बहुत अवेयरनेस जा रही है, तो ये तो चाह रहे हैं कि वो भी ना जाए। मैं इसीलिए तो बात कह रहा हूँ कि ये शौचालय की बात करते हैं पर विद्यालय की क्यों नहीं करते, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सवाल करने वाले हमारे साहब को पसंद नहीं है। बिल्कुल, इसलिए तो आप लोग दिखा देते हो कि मिड डे मील में बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं तो आपको ही ठेल देते हैं, और आप लोग हम जनता को डराते हो कि आप बोल क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, नहीं तो आप जेल चले जाओगे। अरे भाई आप हमें क्यों डरा रहे हो, हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो युगांडा के प्रधानमंत्री से करेंगे क्या? ये बात है। अभी तो नड्डा जी कह रहे थे 2014 से पहले घुटने टेक के चल रही है सरकार, कितना ट्रूथ था, कितना सच्चाई, इतनी सच्चाई है जितना गंगाधर और शक्तिमान की, गंगाधर ही शक्तिमान, समझ गए। धन्यवाद सर, आप सब मीडिया वाले के सवाल पूछ ही नहीं पा रहे हैं।